ये रहा, ये देखो कितना बड़ा है। अरे अरे छोड़ दो, देखो ये बहुत ही बड़ा है। देखो काटने के लिए कैसे कर रहा है। ठीक है, ये अभी ऑफ है, इसे मैं अभी ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद ये रस्सी बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगा। यहाँ हर जगह से ये पाइप फूटा हुआ है और सब हंस रहे, सब मजाक उड़ा रहे हैं। ये भाई चढ़ी में देखो। अब यहाँ पे बहुत ही गड्ढा है। ओ माँ, अरे किधर किधर गया मेरा जी, तो बंद हो जा रहा था यार, गिरा बस गया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग फिर से जंगल में शुरू होने वाला है। और दोस्तों आज का ब्लॉग में मैं जंगल में राइड भी करूंगा, और आज मैं पर्सनली आया हूं अपने भाई के साथ, क्योंकि वो ईट बनवा रहा है जंगल में, मिट्टी का ईट जंगल में बनवा रहा है। तो मैं अभी आया हूं वाटर मशीन से, अभी पानी निकालूंगा और उसके बाद मैं जंगल में राइड करूंगा। और दोस्तों अभी मैं 4-5 दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी जो बाइक है वो ख़राब हो चुकी है। तो अभी मेरी बाइक गैराज में है, गैराज में बनने के लिए दिया हूँ। उसके बाद जब बाइक बन जाएगी तो फिर मैं लाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। और रहा बात, एक जो मैंने चेन माउंट लिया था ना, तो फिर वो ख़राब निकल गया है, क्योंकि जब मैं उसमें फ़ोन लगाता हूँ तो फिर क्या होता है, वो स्लिप कर जाता है जब मैं उसमें फ़ोन लगाता हूँ। तो बाइक बनने के बाद मैं एक उससे भी वीडियो बना के दिखाऊँगा कि कैसा वीडियो बनता है उससे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग मेरे वीडियो में बने रहो और देखते जाओ। अभी मेरा भाई फीते को फैला रहा है, यहाँ से थोड़ी लंबी है। और अभी देखता हूँ कि अभी वहाँ जो ईटे सब बनवाते हैं, ईटे सब जो बनाते हैं, अभी मैं उनका भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो बने रहना। और मैं अभी जिसे राइड करने वाला हूँ अभी मैं, तो वो बाइक ये रहा, ये खटारी बाइक है, ये खटारा बाइक है। अभी ये किसी और का बाइक है, मेरे भाई का है। ठीक है, तो फिर अभी मैं इसे राइड करूँगा, उसके बाद देखता हूँ कि जंगल में क्या सीन बनता है। ठीक है, फिलहाल मैं अभी मशीन से पानी निकालूंगा। पानी निकालने के बाद वहाँ पे मिट्टी में पानी डालूंगा। उसके बाद जब यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, फिर मैं अभी राइड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे बिना बने रहना। सो दोस्तों, ये रहा मशीन, और अभी मैं इस कुएँ से पानी निकालूंगा। ठीक है, इस कुएँ से पानी निकालूंगा, और ये रहा पाइप, और मैं अभी ये बाइक से आया हूँ, इसी से मैंने मशीन लाया है। और यहाँ भी एक कुआँ था भाई, कुआँ था नहीं, बाकी कुआँ है। यहाँ भी पानी है, लेकिन यहाँ उतना पानी नहीं है, इसीलिए यहाँ से पहले निकालता था पानी, बाकी यहाँ का पानी सूख गया। ठीक है, तो फिर मैं अभी उस कुएँ से मैं अभी निकालूंगा। और ये रहा मेरा भाई, अभी ये फीते को फैला रहा है, क्योंकि फीता बहुत लंबा है, और क्योंकि वहाँ तक वहाँ यहाँ देखिए, ये आप देखो, ये फीता मुड़ चुका है, यहाँ से आप देखो ये फीता मुड़ चुका है, और अभी ये मेरे भाई फैला रहा है फीते को। तो दोस्तों अभी फीते को फैलाने के बाद, अभी अगर आपको वाटर मशीन को चलाने के लिए नहीं आता होगा, और वो अभी मैंने दिखाया था वो मशीन, वो केरोसिन से चलता है। ठीक है, तो फिर अभी मैं उसे चलाऊंगा। अगर आपको चलाने के लिए नहीं आता है तो फिर आप लोग मेरे वीडियो बने रहना और देखते जाना। अभी फ़िलहाल फीते को पूरा सेट करने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इसे मैंने सेट कर लिया हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, और अभी मैं इसे स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो अगर आपको स्टार्ट करने के लिए नहीं आ रहा है तो फिर मैं अभी, आप लोग देखते जाओ। यहाँ एक स्विच है, ये अभी ऑफ है, इसे मैं अभी ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद ये रस्सी बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगा, बहुत टाइट है, स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों ये देखो, यहाँ हर जगह से ये पाइप फूटा हुआ है, और अभी मैं आगे जा रहा हूँ हर जगह से। यहाँ देखो, यहाँ भी फूटा है, और मैं अभी आगे जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखो, पाइप बहुत ही लंबी हो चुकी है, इसीलिए इसे घुमा के रख दिया हूँ। यहाँ देखो, यहाँ सब ये सब काम करते हैं, और ये ईटा बनाते हैं, यही सब।
अभी ये मिट्टी को अभी बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, उसके बाद इस मिट्टी से ईटा बनाया जाएगा। यहाँ देखो ये सब अभी काम कर रहे हैं, यही सब जो है ईटा ईटा को बनवाते हैं, यही सब ईटा को बनाते हैं। सब हंस सब मजाक उड़ा रहे हैं। इस भाई को ये भाई चड्डी में ये भाई चड्डी में देखो। ये देखो इधर का सीन देखो आप। अभी शाम का टाइम है और जंगल का सीन बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखो अभी सूरज डूब ही रहा है और ये भाई का अभी मैं दिखाता हूँ चड्डी। ये भाई अभी चड्डी पे देखो भागे वो कहा साफ कर तो यहाँ भर चुका है और अभी यहाँ से वहाँ उस गड्ढे में भरा जाएगा। अभी मैं यहाँ पे भरू में गड्ढे में से इधर। दोस्तों यहाँ पे जो सब काम कर रहे थे इनको अभी बिच्छू मिला है और ये रहा, ये देखो कितना बड़ा है। अरे छोड़ दो, देखो ये बहुत ही बड़ा है। देखो काटने के लिए कैसे कर रहा है। ये भाई को अगर काट लिया तो क्या होगा ये भाई को। अरे ये देखो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। हाँ तो दोस्तों फाइनली अभी सब जितना भी मिट्टी था हर 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 काम करने वाले को अलग 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 मिट्टी था, तो फिर सब भीग चुका है और ये लाश है। और ये अभी गड्ढा भर जाने के बाद मैं मशीन बंद कर दूंगा और तब तक मैं आपको यहाँ जो ईटा ये सब बनवाए हैं, ये सब जो ईटा बनाए हैं ये अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसा बना है और इधर का सीन भी मैं भी दिखा रहा हूँ। ये अभी गड्ढे को भरेंगे। इस गड्ढे को भरने के बाद कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का सारा काम। उसके बाद अभी हम लोग सॉरी अभी मैं उसके बाद जाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये देखो आप ईंटे को, ये देखो गजब बना देते ये सब। ये मिट्टी बिक चुका है, ये मुझे लग रहा है ये कली का है। ये देखो इधर का सीन, अभी मैं उधर जाऊंगा नदी साइड में और वहाँ का सीन मैं भी दिखाऊंगा बड़ा कर का। तो दोस्तों मशीन अभी बंद हो चुका है और जानते हो ये जो ये सब जो काम कर रहे थे ये भी एक स्किल है। ये अगर सीख जाओगे, अगर इसमें सीखने वाली बात ही नहीं, अगर ये भी अगर काम जानोगे ना तो फिर कहीं भी काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही घर पे बैठे बैठे पैसे कमा लोगे। सिर्फ दिन भर दिन टाइम देना पड़ेगा और दिन भर दिन सिर्फ काम करना पड़ेगा, बाकी पैसे यहाँ से भी हो जाएंगे अगर ये अगर ईंटे को बनाने के लिए सीख जाओगे तो। ये भी एक स्किल है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बड़ागढ़ साइड में और उधर का सीन अभी दिखाऊंगा।
दोस्तों अभी इधर से जाते वक्त एक यहाँ गड्ढा मिलता है, नाला टाइप का नहीं, नाला है यहाँ पे, बहुत ही गड्ढा है। ओ माँ, अरे किधर किधर गया मेरा जी, गाड़ी बंद हो गया, मेरा पैंट भी भीग गया, गाड़ी भी बंद हो गया, पैंट भी भीग गया। अभी आप सोच रहे होगे ये वीडियो कैसे बना रहा, बाकी अरे बाबा, अरे ये गाड़ी चलाने में तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है। फिर से बंद हो गया, स्टार्ट हो जा भाई, सेल्फ काम ही नहीं कर रहा, इधर पैर रखने का जगह नहीं है, इधर बहुत ही गड्ढा है साइड में, इधर यहाँ का गड्ढा पता ही नहीं चल रहा है, स्लिप भी कर रहा गाड़ी, टायर गाड़ी कैसे स्लिप करेगा। वहाँ से निकल के यहाँ भी थोड़ा सा गड्ढा, अब यहाँ रास्ता खराब है, यहाँ हट जा भाई, हट जा। अरे ये गाड़ी तो देखने में नहीं, चलाने में भी खतरा लग रहा है, गाड़ी चार बार बंद हो जा रहा था, यार गिरा बच गया। ये देखो अभी वहाँ जो घर दिख रहा है, वो घर दिख रहा है ना, वहाँ सामने जाके दिखाऊंगा, वहाँ पे अगर कोई ध्यान हो जाता है, कोई मर जाता है तो वहाँ पे हम लोग जलाते हैं, वहीं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। इधर का रास्ता तो बहुत ही खराब है, फाइनली पहुँच गया अब बड़ाकर नदी। ये देखो अब गाड़ी में आगे तो ले जाऊँ, नदी का सीन दिखाऊंगा सामने जाके। सो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में, यही एक दो मंथ पहले जो वीडियो मैंने डाला था, उसमें बहुत सारा पानी था ना, और अभी पानी सूख चुका है, और अभी पानी बहुत ही सूख चुका है, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ पानी बहुत ही कम हो गया है, और अभी जहाँ से मछली मारते हैं ना, वहाँ मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। और इससे पहले पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं मछली लेके जा रहा था, उस टाइम मुझे मछली नहीं मिला था, तो फिर यहीं से वो यहाँ से मारते हैं मछुआरे सब, यहाँ से मारते थे, और यहाँ जानते हो यहाँ पे रात भर बरसात के टाइम में रात भर यहीं पे सोते थे, और क्यों जानते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं सोएंगे तो फिर कोई भी आके मछली जो फंसी रहती है ना मछली, तो उसे चोरी करके ले जाएगा, इसलिए यहीं पर रात भर अकेले इस नदी में, ये नदी ने बढ़ाकर है यहाँ पे सोता था। और यहाँ जो ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये जो आप पीछे देख रहे हो, यहीं पे अगर मेरे गांव का अगर कोई मर जाता है तो फिर यहीं पे हम लोग जलाते हैं, यहीं पे, यहाँ जहाँ वहाँ जो दिख रहा है वहाँ पे हम लोग जलाते हैं। तो अभी ये नदी का जो पानी बाहर बह रहा है, पानी का बहाव, उसका साउंड अभी आप लोग सुनिएगा देख, और देखिएगा कि कितना मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है सुनने में। सो दोस्तों, ये रहा बड़ाकर नदी का सीन। अरे भाई, जानते हो मेरे फ़ोन से ना इतना अच्छा वीडियो बनता है ना, कि मैं ये फ़ोन लेकर बहुत ही खुश हूँ, मुझे कैमरा का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कभी पड़ेगा बाकी, अभी मैं इसी से बनाऊँगा। सूर्य तो ढल चुका है, और ये देखो अभी मैं बहुत ही बीच में हूँ मानोगे तो, क्योंकि जब मैं पहले आता था ना, तो फिर वो बाइक खड़ी है वहाँ से, उसे भी पीछे खड़े होकर मैं वीडियो बनाया करता था,
क्योंकि बहुत ही पानी भरा रहता था और उस टाइम बरसात का टाइम था। और अभी आप देखो पानी कितना सूख चुका है, ये देखो पानी बहुत ही सूख चुका है। और यहाँ से मैं मछली ले जाया करता था, यहाँ से देखो बरसात के टाइम है ना, जो बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ से मछली फंस आ जाते, यहाँ आके बहुत ही बड़ी बड़ी मछली आके फंस जाती यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जब पानी पड़ता है बरसात के टाइम, अगर कोई मर जाता है तो फिर पानी पड़ता है तो फिर हम लोग यहीं पे रहते, यहाँ पर बचते पानी से बरसात के टाइम में। और सूरज देखो ढलने वाली है, ढल ही चुकी है समझ लो। दोस्तों आ जाओ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और जानते हो ये यहाँ पे बहुत ही गड्ढा हो चुका है। अब समझ सकते हो कि बरसात के टाइम में इतना तेज पानी इधर से आता है, यहाँ देखो ये पूरा धस चुका है। ये जो है ये अभी सामने जाके दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ही धस चुका है ये, यहाँ इतना इतना बड़ा मिट्टी का ढेर है इतना बड़ा। और सोच लो आप समझ सकते हो कि कितना तेज़ पानी इधर से बह के आता है। और ये नदी नहीं है, ये खेत का पानी आता है। अभी रास्ते मैं अभी पीछे से दिखाता हूँ रास्ते को, देखो इतना तेज़ पानी आता है कि इतना बड़ा पहाड़ी है, इतना बड़ा कि पूरा तोड़ के पार हो चुका है यहाँ से पानी। यहाँ देखो इधर से पानी बह के आती है और इधर से बहते हुए देखो नदी में जाके मिल जाती है। देखो आप समझ सकते हो कि कितना तेज़ पानी, जब खेत का पानी इतना तेज़ बहता है ठीक है, तो नदी का पानी कितना तेज़ बहेगा। तो दोस्तों फाइनली मुझे लग रहा है कि आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है और शाम भी हो चुका है ठीक। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। और दोस्तों और ये एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरी बाइक बन जाएगी और जब मैं माउंट दूसरा ले लूँगा तब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार एक ही चीज़ बोलता है कि रोज़ वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बस अभी पूजा है छठ पूजा, तो उसके लिए भी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा काम वाम भी करना पड़ता है, तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। आप लोग मेरा दिल से सपोर्ट करना, और आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।